सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारी किल्ली किल्ली वाली थी, बहुत डिस्टर्ब करती है यार मेरी किल्ली। ये औरत बहुत डिस्टर्ब करती है गाइस। एक मिनट रुक, हाथ में लिए किल्ली गाइस किल्ली खा गई। सो आई नो फिर आज इसको इनको थोड़ा सा सुनो दो गाइस, मेरे को ऐसे फोड़ना था वो किल्ली इसमें लगी। आगे बढ़िए। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए वीडियो के साथ, जिसका मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी क्या, इवनिंग के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल हुई है। सो मैं उसी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बता दूं, अभी इसके पहले एक ब्लॉग हम लोगों ने हम लोगों ने यही ब्लॉग, मतलब बेबी बॉय या गर्ल है रिवीलिंग ब्लॉग, हम लोगों ने शूट कर लिया। उसका थोड़ा सा क्लिप मैं डाल दूंगी। साथ में हम लोग फोड़ेंगे, ठीक है? साथ में फोड़ेंगे तो पता कैसे चलेगा। ज्यादा माइंड मत करिए, थोड़ा सा बचपन में ना थोड़ा सा चोट लग गई थी इनके, तो ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया था और अभी तक वो यही मौजूद है। इस वजह से थोड़ा सा कभी कभी असर हो जाता है। और उसमें गजब का ये हो गया कि हम लोगों ने सामने स्टैंड पे अपना फोन लगा दिया है और मैं फोन लगा करके हम लोगों ने मतलब उस ब्लॉग में इतनी तफरी करी, इतना मजा आया, पूरा ब्लॉग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मैं वीडियो देखने गई तो पता चला हम लोगों की इतनी मुंडी नहीं, इनका इतना आया है, मेरा इतना आया, मतलब ऊपर का मुंडी आया ही नहीं है इन लोगों के साथ। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे, ये क्या हुआ, पानी आ गई, ये वाला हाल हो गया। नहीं, मोए ये हो गया हम लोगों के साथ। सो फाइनली हमारा बेबी भी यहीं पे है, तो इसको ले लेते हैं गोदू में। आजा बाबू तुम्हें को दिखाना है। सो ये हमारा गुड्डा या गुड़िया। चलो फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, ये सो रहा है, ज्यादा टाइम ना लेके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सो ये है ब्लू बैलून, जिसका मतलब है कि लड़का, और ये है रेड को आप पिंक समझ लेना, क्योंकि हमारे पास पिंक बैलून अभी अवेलेबल नहीं था, ठीक है? तो जिसका बैलून फूटेगा आप समझ लेना कि वही हुआ है हमारे घर में, मतलब बैलून नहीं, बैलून ये है। चलो स्टार्ट करें। हाँ, वन टू यार वो वाली नहीं, वन गाइस, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि एक मिनट कट ये यहाँ से कट सीन कट। हाँ, तो मैं थोड़ा सा एक मुद्दा उठाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि ये बेचारी हमारी भाभी, हमारी जेठानी जी, जिनको बचपन में थोड़ा सा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे जो बुद्धि जिसको बोलते हैं, दिमाग कुछ ज्यादा बोल रही है, ये जो दिमाग होता है ना वो यहाँ आ गया। देखिए घुटना तुम क्या फैला के बैठी हो, बच्चे को लिए तो यार मेरी मजबूरी है, मैं भी बच्चा लेके बैठी, कैसे लड़ रही है ऐसे लोग, वैसे जिनके दिमाग यहाँ हो जाते हैं ना वैसे ही लड़ते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। गर्ल लेके बैठी तो इनकी यहाँ आ गया है बेचारी, मोड़ के बैठी, इसलिए इसका कनेक्शन यहाँ आता है। आगे बैठ, तो आप लोग थोड़ा सा अगर ये कुछ बीच में ऐसा टिप्पणी कर दे तो आप लोग पहले करें, क्या करें, पहले करें, वन टू थ्री। देखो भाई मैं बिग बॉस की तरह करेंगे, ठीक है? वन टू थ्री ऐसे, ठीक है, चलिए मैं वन। ये तो ऊपर इतना आएगा नहीं, फिर वही काम नहीं करूँ ना, बाद में ऊपर कर देंगे, फाइव वाले में ऊपर कर, तो फाइव काउंटिंग हम लोग करेंगे, वन मैं वन करूंगी, वन मैं कर रही हूँ ना, मैं वन करूंगी फिर फाइव तो करो, करो वन वन मुंह से निकल गया, हाई लिए है पिन, अरे बोला कौन सा डायलॉग था, मुंह से निकल गया, नहीं पता ऐसा डायलॉग, वन टू थ्री हमारा बेबी बॉय उड़ा जा रहा, कह रहा मम्मा के पास नहीं रहना, नहीं माँ बेबी। अच्छा अब सीरियस होके, वन फिर मैं वन करूंगी ना, कर दिया तो क्या, चल चल चल
वन टू थ्री फोर साथ में हाथ ऊपर करेंगे ठीक फाइव ये भी बार हुआ है मेरे घर में छोटू सा राम आया है हमारे घर में छोटू से कन्हैया जी राम छोटू से राम जी आए ये हमारा लड्डू गोपाल मेरा बेबी बॉय हमारा बेबी बॉय जो कि बहुत से लोगों ने गेस कर लिया था कि बेबी बॉय हुआ दीदी बेबी बॉय हुआ बेबी बॉय हुई अपनी बेबी गर्ल को फोड़ने जा रही है मैम जी बेबी गर्ल को फोड़ दो जरा हाँ ये सेलिब्रेशन है ये अरे हंस रहा है ये तो देखो हाँ सो बहुत से लोगों ने गेस कर लिया था कि दीदी बेबी बॉय हुआ है आपको और फिर भी बताना बहुत से लोग नहीं कर पाए थे तो बताना जरूरी था तो मैंने सोचा बता देते और आप लोग बहुत ही ज्यादा वेट कर रहे थे दीदी बताओ दीदी बताओ दीदी बताओ दीदी बताओ तो मैंने सोचा आज बता देते हैं जय श्री राम ये अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखना चाहता है और आप लोग भी अपना आशीर्वाद इस पर बनाए रखिएगा और ये मेरा गुड्डा भी सो रहा है हमारे घर में एक प्यारा सा गुड्डा है प्यारा सा खिलौना पूरे घर भर के लिए गुड्डा है ये इसी के साथ मेरा ये ब्लॉग होता है यहीं पे खत्म मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा सबसे पूछो कि क्या ये दिन भर बच्चे जो सोते क्या दिन भर सोते रहते हैं हमेशा हाँ तो मेरा जो ये लड़का पैदा हुआ है ना दिन भर सोता है मतलब मैंने ऐसा सुना है कि बच्चे जो दिन में सोते हैं वो रात में जगते हैं जो रात में सोते हैं वो दिन में जगते हैं लेकिन ये हमारा एक लौता ऐसा पैदा हुआ है क्या दिन भर सोता है रात में भी सोता है रात भर सोता है मतलब मुश्किल से आधा एक घंटा रात में जग जाता होगा कभी कभार बाकी ये दिन भर सोता अपनी माँ को परेशान नहीं करता है बोलता है माँ सो लो पर मुझे ऐसा लगता है ये बाद में जगाएगा हाँ बाद में जगाएगा सो ये सीन है और बस इतना ही इस ब्लॉग में और फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मैंने बताया था ना बस वही समझ लीजिएगा टाटा बाय बाय ओके बाय और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे बउआ को देख के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस टाटा बाय बाय बस